हाय गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव्स कैफे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये साल अब खत्म होने वाला है एंड 2021 बस अब शुरू ही होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में हमने आपको ऐसी पांच टाटा की कार्स बताई है जो कंफर्म है कि 2021 में लॉन्च होने वाली है। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कार्स लॉन्च होने वाली है उन सभी की इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ डिटेल में शेयर की है, जैसे कि कब लॉन्च होने वाली है, उस कार की प्राइसेस क्या होगी एंड उन कार्स में आपको कौन से फीचर्स एंड इंजन देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज का इस वीडियो एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये जो कार्स है वो टाटा की अब तक की सबसे बेस्ट कार होने वाली है एंड आई थिंक इट वुड बी वर्थ कि आप इन कार्स के लिए वेट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। गाइस, यहां पे लिस्ट में पहली कार आ रही है टाटा अल्ट्रोज ईवी। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राइट नाउ टाटा के पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में अवेलेबल है, टाटा टिगोर ईवी एंड टाटा नेक्सॉन ईवी। एंड टाटा इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ईवी मार्केट होल्डर इन इंडिया विद द शेयर परसेंटेज ऑफ 60-65। सो बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाटा कई सारी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में लाने की सोच रहे हैं एंड उसमें से एक कार कन्फर्म है, टाटा अल्ट्रोज ईवी। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अल्ट्रोज में कोई ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस एंड फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बट शायद इलेक्ट्रिक वर्जन की वजह से ज़्यादा कलर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशंस की, तो इस कार में आपको टाटा की जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की 30.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें 250 से लेके 300 तक किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी पर सिंगल चार्ज। एंड विद द हेल्प ऑफ फास्ट डीसी चार्जिंग, आप इस कार को सिर्फ एक घंटे में अप टू 80% चार्ज कर सकोगे। एंड अगर आप इस कार को सिंपल डोमेस्टिक चार्जर से चार्ज करोगे, देन इट विल टेक अराउंड 7-8 आवर्स। गाइस, ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा अल्ट्रोज ईवी मिड 2021 तक लॉन्च हो सकती है विद द प्राइस टैग ऑफ 10-15 लाख। सो गाइस, अगर आपका बजट 15 लाख से कम है एंड आपको प्रीमियम हैचबैक इलेक्ट्रिक कार चाहिए, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर टाटा अल्ट्रोज ईवी। अब लिस्ट में दूसरी कार आ रही है, अगेन टाटा अल्ट्रोज बट विथ टर्बो पेट्रोल इंजन। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फिलहाल टाटा अल्ट्रोज सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में ही अवेलेबल है, बट अब इस कार में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा टू कम्पीट विथ फॉक्सवैगन पोलो जीटी एंड ऑल न्यू ह्युंडई i20 टर्बो। अब दोस्तों, इस कार के लॉन्च इवेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि ये कार 2021 के शुरुआत के 2-3 महीनों में लॉन्च हो जाएगी, बट ऐसे भी न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं कि ये कार इस महीने यानी कि दिसंबर में भी लॉन्च हो सकती है, बट गाइस ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये कार 2021 में ही लॉन्च होगी। अब इस कार में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जहां पे सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन अवेलेबल है। डीसीटी का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, बट इट माइट कम लेटर। अब गाइस, कंपेयर टू स्टैंडर्ड अल्ट्रोज, अल्ट्रोज टर्बो में डिजाइन से लेके फीचर्स तक ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको सेम ही देखने को मिलने वाली है, एक्सेप्ट प्राइसेस एंड इंजन। अब गाइस, मैं प्राइसेस की बात करूं तो इसकी प्राइसेस पिछले महीने लीक हो गई थी, जिसका फोटो आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सो जो प्राइसेस आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर इस प्राइस रेंज में टाटा अल्ट्रोज टर्बो आई, देन ये कार आपके लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट में तीसरी कार आ रही है, टाटा हेक्सा सफारी एडिशन, जो एक 6-सीटर SUV कार होने वाली है। एंड गाइस, ये वही कार है जो आपने शायद ऑटो एक्सपो 2020 में देखी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इट इज गोइंग टू द सक्सेसर ऑफ टाटा हेक्सा, जो एक्चुअली डिसकंटिन्यू हो गई है, क्योंकि वो कार BS4 इंजन में अवेलेबल थी। सो नाउ द टाटा इज कमिंग विथ हेक्सा सफारी एडिशन, जिसमें आपको BS6 इंजन देखने को मिलेगा। एंड गाइज, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये कार 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो सकती है। अब मैं बात करूँ इसके इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 2 पावर ट्रेन होंगी विथ मोर हॉर्स पावर एंड मोर टॉर्क। अब यहाँ पे जो 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का जो वेरिएंट होगा, उसमें आपको सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। एंड दूसरा जो 4x2 वर्जन है, उसमें आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ हेक्सा के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड पार्क असिस्ट एंड 10-स्पीकर हारमन सोर्स स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाएगी। एंड इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14 लाख से लेके 20 लाख। सो अगर आपका बजट 20 लाख या फिर उससे कम है,
उसमें भी आपको 4x4 सिस्टम चाहिए विथ मोर प्रीमियम फीचर्स, देन यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर टाटा हेक्सा सफारी एडिशन। तो दोस्तों अब ये जो कार लिस्ट में आ रही है उस पर्टिकुलर कार के लिए काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द कार इज टाटा HBX। अब गाइज यहाँ पे HB स्टैंड्स फॉर हॉर्नबिल एंड X स्टैंड्स फॉर प्रीमियम फीचर्स। अब गाइज टाटा HBX एक माइक्रो SUV होने वाली है, एंड ये कार टाटा की अब तक की सबसे स्मॉलेस्ट कार भी होगी। अब गाइज टाटा HBX टाटा की ही टाटा S2X कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कार 2019 के जिनेवा मोटर शो में दिखाई गई थी। अब यहाँ पे टाटा HBX टाटा अल्ट्रोस के ही अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाली है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब बात करें इसके फीचर्स की तो अकॉर्डिंग टू टाटा, टाटा HBX में आपको सेगमेंट बेस्ट फीचर्स देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों टाटा HBX के प्राइसेस की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस कार की प्राइसेस अराउंड 8 लाख के अंदर होने वाली है। सो अगर टाटा HBX इस प्राइस रेंज में अवेलेबल होगी देन आपको किसी और कार की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कार का लुक काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर तो है ही, बट साथ ही साथ आपको प्रीमियम फीचर्स एंड बेस्ट बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। अब लॉन्च डेट की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये कार 2021 के ख़त्म होने से पहले लॉन्च हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पे लिस्ट में जो लास्ट कार आ रही है वो इसी मंथ दिसंबर में ही लॉन्च होने वाली थी, बट अब उसका लॉन्च इवेंट मार्च 2021 में एक्सटेंड किया गया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन, एंड द नेम ऑफ द कार इज टाटा ग्रेविटास। अब गाइज टाटा ग्रेविटास जो कार है वो 7-सीटर वर्जन होने वाला है ऑफ टाटा हैरियर, एंड ये कार टाटा हैरियर के ओमेगा प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर हम टाटा ग्रेविटास को टाटा हैरियर से कंपेयर करें तो ये कार 63mm लॉन्गर एंड 80mm टॉलर होने वाली है। सो अगर आप एक 7-सीटर वर्जन की तरफ देख रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर टाटा ग्रेविटास। अब गाइज इस कार में आपको 2.2 लीटर का वही टाटा हैरियर का ही इंजन देखने को मिलने वाला है विथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड शायद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करूँ ग्रेविटास के फीचर्स की तो इस कार में आपको काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर देखने को मिल सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो हिल होल्ड, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले एंड और भी कई सारे फीचर्स आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स टाटा ग्रेविटास की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 15-25 लाख हो सकती है, एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कार अब मार्च के महीने में ही लॉन्च होने वाली है। सो अगर आपको एक प्रीमियम SUV चाहिए विथ मोर प्रीमियम फीचर्स एंड मैक्सिमम सेफ्टी देन इट वुड बी वर्थ वेटिंग फॉर टाटा ग्रेविटास। वेट गाइस, अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी कार्स है लाइक टाटा ब्लैकबर्ड, टाटा टियागो EV, टाटा टिगोर EV फेसलिफ्ट, टाटा सियारा EV एंड टाटा EVision कॉन्सेप्ट सेडान। ये सारी जो कार्स है उनकी अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि ये सब कार्स कब लॉन्च होने वाली है, एंड हमने इस वीडियो में आपको वही कार्स बताई है जो कंफर्म्ड है कि 2021 ख़त्म होने से पहले लॉन्च हो जाएगी। सो गाइस हमने जो 5 कार्स बताई उसमें से आप किस कार के लिए वेट कर रहे हो एंड आपको कौन सी कार ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो गाइज ये था आज का डिटेल वीडियो ऑन अपकमिंग टाटा कार्स। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो गाइज, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।